टीकमगढ़ जिले के प्रतिपुर इलाके में स्थानीय लोगों और स्कूली छात्रों ने शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आरोप है कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुधा राय ने निगम नियम कानून को लेकर उनको ताक पर रखा और इलाके के बीचों बीच शराब की दुकान खुलवा दी। शराब की दुकान अस्पताल के ठीक सामने खुली है। इससे न सिर्फ मरीजों को दिक्कत होती है बल्कि आसपास के लोगों और छात्र छात्राओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों का आरोप है कि शराबी शराब लेकर अस्पताल परिसर में बैठ जाते हैं और मना करने पर लड़ाई करते हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से शराब की दुकानें हटाने की मांग की है और इसके लिए लोगों ने थाना प्रभारी को ज्ञापन भी सौंपा। बस चलेंगे गलत भाई है। ये मोहल्ले में जो दुकान खुली है देसी शराब की, उससे हम लोग बहुत पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, गाली गलौज का माहौल है और तमाम प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं। इसलिए इसको तत्काल बंद किया जाए। टीआई साहब से महोदय से निवेदन करने आए हुए हैं। इसके बाद हम तहसीलदार साहब के पास भी जाएंगे। हमारे घर के बगल में एक शराब की दुकान खुल गई है। हम लोग बहुत परेशानी होती है, हम लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, खेल नहीं पाते हैं, इसलिए हम शराब की दुकान के लिए बाकू करने के लिए आए हैं। ठीक है, उच्च अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा करेंगे और जैसा ही निर्देश मिलेगा उस हिसाब से अपन कार्रवाई करेंगे। ये हम भी चाहते हैं कि जो पुराना बस स्टैंड है और बीच बस्ती है, उधर दुकान नहीं होना चाहिए।